शिवपुरी से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है एक पर्यटक स्थल बना हुआ है जिसका नाम पवा है। यह पर्यटक काफी दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। देखा जा रहा है इस समय बरसात का सीजन है और बरसात के सीजन में बारिश के चलते लोग यहां आकर अपना मनोरंजन करते हैं। कुछ लोग दाल बाटी से तो कुछ लोग गरम गरम भुट्टे का आनंद लेकर और साथ सेल्फी भी लेकर अपनी अपनी अंदाज में फुल एंजॉयमेंट करते हैं। देखिए शानदार पवा का नज़ारा। शिवपुरी से गजेंद्र वर्मा के साथ मोनू नामदेव की रिपोर्ट है एसकेएच न्यूज। नमस्कार, मैं मोनू नामदेव आपको ले चलते हैं एक ऐसे पर्यटक स्थल पर जिसका नाम है पवा। जी हाँ, आपने सुना होगा जो कि शिवपुरी से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो आपको देखो कि नज़ारा दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन से, मैं बोलना चाहूँगा कि जरा इधर का घुमाइए कैमरे को, कैमरे के दृश्य को घुमाइए, क्योंकि दूर से आए हुए लोग इतना मजे कर रहे हैं, इतना इंजॉय के साथ अपना वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जैसा कि दूर से देखिए वहाँ पे मंदिर भी मौजूद है, क्योंकि सुनने में आया कि काफ़ी ये कहें कि काफ़ी अच्छा यहाँ का देखने को दृश्य। हमारा सामने की एक जगह है लेकिन उसके सामने व्यवस्था है हमें बहुत अच्छा लगा। सर आपको कैसे यहाँ की जानकारी आपको कैसे मिली कि पवा इतना फेमस जो हो गया है? यहाँ पहले मैं गर्मी में एक दो बार आया था यार भाई, जब हमें पता लगा कि बारिश में जो हमने झरने गर्मी देख ली थे वो बारिश में, एक दो लोगों ने, हम सोनी समाज के लोग हैं, उन्होंने कहा पवा बस बहुत अच्छी जगह है, झरने सब व्यवस्था है, खाने पीने बहुत अच्छी व्यवस्था रही, और यहाँ के मंदिर और यहाँ के लोगों का, आस पास के गांव वालों का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। सुरक्षा व्यवस्था पर क्या कहना चाहूँगा? सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, जो भी यहाँ अपने जो पुलिस वालों ने गार्ड लगा रखे है वो उसका पूरा ध्यान रखा। मंदिर